जय हिंद एवरीवन। तो हम ए टू जेड की इस मैथ्स मैजिशियन की सीरीज में एन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एन का मतलब है नेवर लूज योर टेम्पर। हमें ना कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बड़ी मुझे एक मिनट की कहानी याद आ रही है। एक बार एक गांव में एक साधु जी रहते थे। उन साधु जी के बारे में फेमस था कि उन साधु जी को कभी गुस्सा नहीं आता। आसपास के लोग उनके पास जाते और उनसे सलाह मांगते कि साधु जी हमें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कैसे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। तो वो साधु जी जिनको गुस्सा नहीं आता था वो ना राय देते थे कि आप एक गिलास पानी पी लो, आंखें बंद कर लो, 20 से बैक काउंटिंग कर लो, ध्यान लगा लो, वो जगह को छोड़ दो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा मीठा बोलना शुरू कर दो, माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। वैसे आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो आज हमारे जैन धर्म में एक पर्व है, पर्युषण पर्व, मिच्छामि दुक्कड़म, कि भाई हमने अगर मन वचन कर्म से किसी का भी कोई भी अहित किया हो तो उसके लिए हम दिल से क्षमा याचना करते हैं। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को यूँ आसान बना दिया किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। नेवर लूज योर टेम्पर। तो एक बार एक बंदे को उन साधु जी से जेलस हो गई, इनको गुस्सा नहीं आता, मैं भी तो देखो इन्हें गुस्सा कैसे ना आए। तो अगले दिन वो जो व्यक्ति था जो उनसे जेलस करने लगा, उसका नाम श्याम था, श्याम गया और उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तो साधु जी जब सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके वापस लौटे तो उस व्यक्ति ने उनके चेहरे पर थूक दिया। अगर हमारे साथ कोई ये बेहूदी हरकत करे कैसा लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, हम फट पड़ेंगे। लेकिन ये क्या, साधु जी मुस्कुराने लगे। साधु जी दोबारा जाते हैं गंगा नदी में नहा के वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, 5 बार हो गया ऐसा, 10 बार, 20 बार, सुबह से दोपहर हो गई और 50 बार ही ऐसा हो गया। हर बार वो साधु जी गंगा नदी में स्नान करके वापस आते हैं और हर बार जो ये व्यक्ति है, जो ये इंसान है, उनके चेहरे पे थूक देता है। 70 बार, 80 बार, 90 बार, 95 टाइम, 100 टाइम्स, ओ माई गॉड, 107 टाइम, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, 108th टाइम जब ऐसा हुआ तो इस बार साधु जी को नहीं, इस बार वो जो बंदा था उसको गुस्सा आ गया। भाई कौन सी मिट्टी के बने हो, कौन से देश से आए हो, सुबह से मैं तुम्हारे साथ ये हरकत किए जा रहा हूं तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। साधु जी ने कहा, आप तो मेरे लिए भगवान हो तो भला मैं आप पे गुस्सा क्यों करूं, मैं और आपके लिए भगवान, मैं समझा नहीं। तब साधु जी ने बताया कि आप की वजह से मैंने एक दिन में गंगा नदी में 108 बार स्नान किया और वो गंगा नदी नहीं है, वो गंगा मेरी माँ समान है। तो वैसे मैं अपनी गंगा माँ से एक दिन में एक ही बार मिल पाता था, लेकिन आज मैं आपकी वजह से अपनी गंगा माँ से एक दिन में 108 बार ही मिला, तो मैं आप पे गुस्सा क्यों करूँ, आप तो मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आए हो। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगा अपने आप में और वो साधु जी के चरणों में गिर गया और उसने भी शपथ ली कि मैं अभी अब लाइफ में कभी गुस्सा नहीं करूँगा, और वो भी उन साधु जी का भक्त बन गया। तो मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों, स्टोरी बड़ी दमदार है और स्टोरी का दमदार मैसेज है, नेवर लूज योर टेम्पर। एक गिलास पानी पी लीजिए, 20 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, वो जगह को छोड़ दीजिए, बिल्कुल चुप हो जाइए, माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए या बिल्कुल मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, अपनी गलती को मान लीजिए। तो ये बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए जिससे आप गुस्से को दूर रख सकते हैं। बचपन में हम सभी ने एक मैजिक किया था, नंबर सोचो, 3 मेरे जोड़ दो, 6 उनको जोड़ दो, 12 उनको जोड़ दो, उनके उनको वापस कर दो, आधा कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इतना बचा, ये मैजिक हो गया पुराना। आज हम कुछ नया फ्लेवर, एक नया मैजिक लेके आए हैं आप सभी के लिए। अगर मैं आप सभी का रोल नंबर बिना आप सभी से पूछे आप सभी को बता दूं तो कैसा लगेगा आप सभी को? अच्छा लगेगा ना, वेरी गुड। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो पेपर पर लिख लीजिए। अगर आपके पास आपका रोल नंबर नहीं है तो कुछ भी मान लीजिए, अगर आपके पास आपका रोल नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर की जगह हाउस नंबर भी ले सकते हैं। तो जो भी आपने अपना रोल नंबर लिखा उसमें +9 कर दीजिए, +9 करके जो भी आंसर आया -2, -2 करके जो भी आंसर आया +2, +2 करके जो भी आंसर आया -4। आफ्टर -4 यू हैव अ फाइनल आंसर, दिस फाइनल आंसर शेयर टू मी। मेरे साथ में एक कावेरी दीदी हैं, कावेरी दीदी आपका कितना आंसर आया? 32, 11। अब ये 32 को सुनकर मैंने 11 पलक झपकते कैसे बता दिया ये समझ लीजिए, और ये समझना बड़ा आसान है।
ऑडियंस से आपको ये पूरा फॉर्मेट कराना है, जो भी हमारी ऑडियंस का फाइनल आंसर आए आपको हाफ करना है। अभी जैसे कावेरी दीदी का फाइनल आंसर आया था 32, तो 32 को मैंने मन मन में हाफ कर दिया, हाफ मतलब डिवाइड बाई टू, तो 32/2 = 16 - 5, यानी मेरा जो कावेरी दीदी का रोल नंबर था 11 था, जो मैंने कुछ सेकंड पहले पलक झपकते बता दिया। फर्ज मानो आपका फाइनल आंसर आया 90, तो जैसे ही मैंने आपका फाइनल आंसर 90 सुना, आपको मन मन में हाफ करना है, हाफ बोले तो डिवाइड बाई टू, तो 90/2 = 45, अपने पास से फिर -5 कर दीजिए, यानी आपका जो रोल नंबर है 40 है। दो काम करने हैं, मन मन में हाफ करना है और हाफ करके जो भी मिले उसमें से -5 कर देना है। बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, इस बारे आपकी मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग बनेगी, करिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, इस एक्टिविटी की एक खास बात है, अगर इस एक्टिविटी में आपके दोस्त का फाइनल आंसर ऑड नंबर में आ रहा है 41, 51, 71, तो कहीं ना कहीं उसने कैलकुलेशन गड़बड़ की है, क्योंकि 41 का हाफ 20.5 -5 15.5, कभी आपने सुना है रोल नंबर 15.5, रोल नंबर 10.5, नहीं सुना ना, दैट्स वाई फाइनल आंसर हमेशा इवन नंबर में आएगा। अगर फाइनल आंसर इवन नंबर में नहीं आ रहा तो आपके दोस्त ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। बढ़ते हैं हमारे आज के इसी अगले फ्लेवर, अगले मैजिक की तरफ। अगर मैं आपकी जेब में या आपके पिगी बैंक में या आपके अकाउंट में रुपए बता दूं तो कैसा लगेगा आप सभी को? ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी एक्टिविटी। तो जितने रुपए आपकी जेब में या आपके पिगी बैंक में या आपके अकाउंट में, लिख लीजिए (2), जो भी रुपए आपने लिखे उसमें (2) कर दो। (2) करके जो भी आंसर आया (+1), (+1) करके जो भी आंसर आया (+5), (+5) करके जो भी आंसर आया (+100). After adding 100, all of you have a final answer. This final answer share to me. I will reply your rupees in your pocket or your piggy bank or your bank account within second. कितना आंसर है फाइनल आपका? Oh my God, 1005. आपके पास 90 रुपीज है। मैंने 1005 सुना, 1005 को सुन के मैंने कैसे कहा कि आपके पास 90 रुपीज है? आइए समझते हैं और सीखते हैं। मेरे दोस्त का इतना सब कुछ कराने के बाद जो भी फाइनल आंसर आए, लास्ट नंबर कैंसिल कर दीजिए। तो जैसे मेरे दोस्त का फाइनल आंसर आया 100,005, तो लास्ट नंबर कैंसिल हो गया, बचे नंबर में से 10 लेस कर दीजिए, यानी आपके पास 90 रुपीज हैं। फर्ज मानो मेरे दोस्त का फाइनल आंसर आया 705, तो दोबारा समझते हैं, जो भी हमारे दोस्त का फाइनल आंसर आया, लास्ट नंबर कैंसिल कर दीजिए और बचे नंबर में से 10 लेस कर दीजिए, यानी कि मेरे पास 60 रुपीज हैं। सिंपल, एक बार और देख लीजिए। फर्ज मानो जी मेरे दोस्त का फाइनल आंसर आया 880, ओ माई गॉड, इस नंबर में जो यूनिट प्लेस है यहां पे 0 है, यानी 5 नहीं है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी की एक खास बात है, जो भी नंबर होगा उसमें एंड में हमेशा और हमेशा 5 होगा। अगर एंड में 5 नहीं है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो यानी ये जो नंबर है ये रॉन्ग है। अरे अरे, मेरा फाइनल आंसर 200 आया, बताओ बताओ मेरा रोल नंबर क्या है? अरे अरे, मेरा फाइनल आंसर 305 आया, बताओ बताओ मेरी जेब में कितने रुपए हैं? बताओ बताओ, हमेशा लास्ट नंबर कैंसिल करना है, बचे नंबर में से 10 लेस करना, मेरे पास 20 रुपीज है। वेरी गुड, अगला ही एक और नया फ्लेवर पकड़ाता हूं आपको, ये भी बड़ा जबरदस्त मैजिक है। आपका हैप्पी बर्थडे, अगर मैं बिना आपसे पूछे बता दूं तो कैसा लगेगा आप सभी को? ऑफ कोर्स बढ़िया लगेगा, है ना? तो चलिए आपका हैप्पी बर्थडे बिना आपसे पूछे बताते हैं। आपका हैप्पी बर्थडे का जो भी मंथ नंबर है पेपर पे लिख लीजिए, जैसे आपका बर्थडे जनवरी में है तो 1 लिखना है, आपका बर्थडे फरवरी में है तो 2 लिखना है, मार्च में है तो 3 लिखना है, अप्रैल में है तो 4 लिखना है, लाइक दिस। (+2) कर दीजिए, जो भी आंसर आया (+5), जो भी आंसर आया (+5), जो भी आंसर आया लास्ट में 0 बढ़ा दीजिए, (+5)
फर्ज मानो मल्टीप्लाई 5 करके आपका आंसर आया, तो 0 बढ़ा के आपका आंसर हो जाएगा 450, और लास्ट में 0 बढ़ा के जो भी आंसर आया प्लस आपकी बर्थडे की डेट। तो आफ्टर एडिंग बर्थडे डेट ऑल ऑफ यू हैव अ फाइनल आंसर, दिस फाइनल आंसर प्लीज शेयर टू मी, आई विल रिप्लाई योर हैप्पी बर्थडे इंक्लूडिंग 2021 कैलेंडर डे। हाँ जी, फाइनल आंसर कितना आया आपका? 777 में थर्सडे। अब मैंने 777 को सुनते ही 27 में और थर्सडे बताया, कैसे बताया भाई, आइए समझते हैं। 27 में थर्सडे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 कैलेंडर, क्योंकि जो ये कोर्स बन रहा है 2021 में बन रहा है, बट जब आप तक ये डिजिटल वीडियो कोर्स पहुंचेगा तो 2021 खत्म होने वाला होगा, 2022 आने वाला होगा। तो हम आपको इससे अगले मैजिक में बताएंगे कि 2022 का कैलेंडर 9 मिनट में कैसे याद करें। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार मैजिक है वो। इसको सीखते हैं कि मेरा फाइनल आंसर 777 आया तो मैंने पलक झपकते ही कैसे बताया कि 27 में। बहुत आसान है, जो भी मेरे दोस्त का फाइनल आंसर आए लास्ट के दो नंबर 50 लेस कर दीजिए और बचे नंबर में से 2 लेस कर दीजिए। तो लास्ट के दो नंबर में से 50 लेस करेंगे 27 और बचे नंबर में से 2 लेस करेंगे 5, यानी 27 में। सिंपल। अब 27 में को मैंने थर्सडे कैसे बताया, ये हमें सीखना है और ये सीखना बड़ा आसान है। समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। फर्ज मानो 880, तो जो भी मेरे दोस्त का फाइनल आंसर आए वो बर्थडे वाली एक्टिविटी कराने के बाद लास्ट के दो नंबर 50 लेस करना है, बचा नंबर 2 लेस करना है। यानी जो मेरा बर्थडे है वो है, लास्ट के दो नंबर में से 50 लेस करके डेट आती है और बचे नंबर में से 2 लेस करके मंथ आता है। तो 30 जून। एक बार और फर्ज मानो जी मेरा फाइनल आंसर आया 1052, तो मेरे दोस्त का जो भी फाइनल आंसर आए हैप्पी बर्थडे वाली एक्टिविटी को करके, लास्ट के दो नंबर में से 50 लेस कर दो, बचे नंबर में से 2 लेस कर दो, तो लास्ट के दो नंबर में से 50 लेस करके डेट आएगी और बचे नंबर में से 2 लेस करके मंथ आएगा। तो 2 अगस्त, 28 ऐसे नहीं कहना, 2 अगस्त ऐसे आपको कहना है। सपोज करो मेरा फाइनल आंसर आया जी 349, तो लास्ट के दो नंबर 50 लेस करो, बचे नंबर में से 2 लेस करो। ओ माई गॉड, ये तो लेस हो ही नहीं रहा। तो इस एक्टिविटी की खास बात है बच्चों, लास्ट के दो नंबर हमेशा 50 से एबव होंगे। अगर लास्ट के दो नंबर 50 से एबव नहीं है तो कैलकुलेशन इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। अब आप सभी मैजिशियन हो, मैं ऑडियंस हूं। अरे अरे मेरा फाइनल आंसर 555 आया, अरे अरे मेरा फाइनल आंसर 666 आया, अरे अरे मेरा फाइनल आंसर 777 आया, बताओ बताओ मेरा बर्थडे कब है? 2022 का कैलेंडर 10 मिनट में कैसे याद करें, जानना चाहते हो? मिलते हैं अगली वीडियो ओ में। जय हिंद।